हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सेकिरो शैडोज डाइट वाइज। तो लास्ट एपिसोड में गेनिची रोशिना से हारने के बाद बाबा जी उठा के हमें यहाँ पर ले आए थे और उनकी मेहरबानी से हमें ये प्रोस्थेटिक लेफ्ट आर्म मिला है जो कि काफ़ी कूल है और बहुत काम आएगा जो हमने आगे सफ़र कंटिन्यू करना है यहाँ पर आशीना कासल तक का। बट इससे पहले कि हम लोग वो कंटिन्यू करें, ये लेडी यहाँ पर मौजूद हैं तो चल के ज़रा इनसे बात करते हैं और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। माकोतोनी息を吹き返したのですね。竜陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。Okay. この瓢箪。お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。 Alright, तो अब हम gold seeds वगैरह जो हैं वो लाके एमा को दे सकते हैं। उससे जो हमारे healing items हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। 一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何？うん、白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。うん。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみません。OK、もう一回言葉。白いあざは生まれつきではない。ならば、流飲を受けた者に、あるいは、うん。OK、とまたもう一回ダイアログにはフィラーアベレブル。また。Alright。So now we are ready to move on.Yeah, I am Batman. All right. तो वो रहा सामने आशीना कासल और हम लोगों ने बेसिकली वहाँ तक पहुँचना है। But अच्छा खासा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। फिलहाल चल के इस आइडल को एक्टिवेट करें और अब से ये आइडल्स जो हैं ये एज अ फास्ट ट्रैवल लोकेशन काम करेंगे हमारे लिए। नाइस। ओके, यहां पर कुछ नहीं है। Oh
shit. गलत जगह पे grapple कर रहा था मैं. Nice. यहाँ से ये pick करें और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉप हो सकते हैं या ये पिक करने के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है कि ये गेम खेली है मैंने, तो हो सकता है कि कुछ आइटम्स की जगह मुझे ठीक से पता ना हो, बट मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कोई भी चीज़ पीछे ना छोड़ूं. ओके ठीक है. और मेरे ख्याल से ये जगह प्लेयर है, यहां पे होंगे भेड़िए ऑफ कोर्स. कमान बच्चे तुम भी आ जाओ. ओह शिट. ठीक है. इसको जरा मारते चलें. ओके मर चुका था वो, कुछ ज्यादा हिट्स मार दी मैंने उस बेचारे को, तो जरा इसे भी एक्टिवेट करें और यहाँ से मिलेगा हमें हमारा पहला क्या बोलते हैं उसे शिनोबी टूल, शुरिकन व्हील. और वो रहा हमारा पहला मिनी बॉस. बट इससे पहले कि हम लोग आके उसे फाइट करें, मैं ज़रा जाऊँगा पहले टेंपल और चल के ये लगवाऊँगा जो शुरिकन व्हील है अपने आर्म में, और उसके बाद वापस आके हम लोग बॉस फाइट करेंगे और फिर अपनी जो जो अपनी एपिसोड है उसको एंड करेंगे. ऑलराइट, तो जरा चल के बाबा जी से बात करें. 手に入れと任務か。おう、忍び騎手は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。敵立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろ。Oh, I like it. 殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。やればいい。ナイス。おいえ、ほげや。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんも。いつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。オーケー、とまず一個ダイアログ、何やバーカネケリエとフィラルバス。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。オーケー、ठीीक है。と、やはりフィラルマラカムジャイブ、カットモチュカヘ。と、ドバラチョルテヘ。
वो जो आइडल था लास्ट वाला, और चल के अपने जो बॉस है मिनी बॉस उससे फाइट करते हैं। ओके, इससे पहले कि हम लोग कंटिन्यू करें, ये लोडेड शुरिकन जरा इक्विप करते चलें और अब जाके हम लोग बॉस फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले जरा यहाँ पे एक और आइटम है, ये पिक कर लें। और अब बारी है बॉस की। वेट अ सेकंड, इजी। नाइस, आ जाओ बच्चे। बहुत इजी सा बॉस है, कोई स्पेशल मूवमेंट या कॉम्प्लेक्स अटैक्स नहीं है इसके। कम ऑन, वाओ। ओके, मुझे अपना पोस्चर रिफिल करना है। कोई बात नहीं, उसने भी कर लिया है, बट हम यह पोस्चर रिफिल कर लेंगे आराम से। वाओ, ओके, पहला मिनी बॉस मारा जा चुका और इंतहाई काम चीजें मिली हैं इससे। गॉड सीट अब जाकर हम एमा को दे सकते हैं, तो हमारे जो हीलिंग आइटम्स हैं उनकी एक तादाद उनकी बढ़ जाएगी। और अब जरा इन एनिमीज को यहाँ पे क्लियर करवाना स्टार्ट करें। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ आया था इसके लिए। और इस गनर ने हमें देख लिया था। और ओके, वो ऊपर चला गया। हेलो बॉयज, ओह शिट, ये हमला क्यों नहीं कर रहा मेरे पे? कम ऑन, ओके, नाइस। और कोई बचा है यहाँ पर? हेलो, कोई और नहीं? ओके, सो ये हो चुका यहाँ पे। वैसे या देखा, एक ये होता है, चंद्र मार दिया। ओके, एक और एनिमी भी है। वाओ, चलो पैलेट से यूज करने पड़ेंगे थोड़ी हेल्थ रिफिल वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर ये दो बंदे हैं, बेसिकली इस आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है हमें, बट करेंगे हम फिर भी। बट इससे पहले जरा इनको मारते चले। और यहाँ से ये लाइट जो कॉइन पर्सेज हैं ये बाय कर लें, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हेलो, हालत ख़राब है इस बंदे की। तारे सो そこにおるのか。おう、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうか
そこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。Okay. ठीक है, पर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, जरा मेरे पास कॉइन कितने हैं? 198. ओके, तो जरा इसे एक एनिमी को मारते चले. नाइस. ओके, या मैं उस हैवी बंदे को एग्रो नहीं करना चाह रहा था, बट हो गया. बट कोई बात नहीं यार. ओके, आर वी ओके? おう、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたは、わしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。All right. तो ये basically एक बहुत important story item था जो कि हमें चाहिए था इस old lady से. और एक और ज़रूरी काम जो हम लोग यहाँ पे करने आए थे, उस मर्चेंट से मिलना. तो आप वो करें चल के. मर्चेंट तक पहुँचना भी इतना इजी नहीं है, मतलब थोड़ा रास्ता घूम फिर के जाना पड़ता है वहाँ तक. सो यहाँ पर ओके, और यहाँ से अब ऊपर ग्रैपल करना एक बार और हम पहुँच जाएंगे. नाइस. ご供養いかがかね。供養さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。So basically हमें चाहिए ये रॉबर्ट्स फायर क्रैकर्स, एक और शिनोबी टूल है और बाकी भी आइटम्स हैं, बट वो फिलहाल हम उत्पाय कर रहे हैं, नहीं आए यहाँ पे. तो हमें 300 कॉइन्स और चाहिए, तो हम एक और काम कर सकते हैं. अपने जो तीन लाइट कॉइन पर्स हैं वो सेल कर सकते हैं, और अब हमारे पास कॉइन पूरे हो चुके, तो चल के ये बाय करें. Nice. सोनो निंग कोनो अतारी दे त्सकाउ दे नाई ज़ो.カラスどもがビビっちまう。やつらいかに賢くとも鳥獣には違いないからの。ひどいことはせぬものじゃ。All right. とざら一 minute. इसे करें और इसे use करें. अबे नहीं 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 नहीं. मैं direct temple जा सकता था, मैंने misclick कर दिया.तो अब मैं लास्ट कम्यून आइडल पे जाऊंगा. बेसिकली हम लोगों ने ये करना था, तो अब हम जाएंगे दोबारा वापस टेंपल और जाके एमा से बात करेंगे. एमा से बात करके उसको गोल्ड सीड देंगे. हीलिंग गाइडेंस जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, और उसके बाद जाके बात करेंगे उस बाबे से. ओ कमी दोनों, よく参られました。氷炭の種とこれか。はい。それをこちらに、種を氷炭に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。Nice. 妙な薬だ。妙ですか。悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが
我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。 All right。 おや、何やらちりんと。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡された。うん、あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。 Yes, next मैंने वैसे भी जाके बात उसी से ही करनी थी。なんだ。お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。ナイス。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。うん、まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。ナイス。とはめ、ペラハマラジョスキルトリーヘヴァミルチュカイ。オリアメタミルタヘッジャブハムログエクスキルポイント、コンプリカルネ。オーアバーキジャイスキャッバーレメマトラボジョトゥーハムレキアイア。チリンチリンと、スズアナイテルナ。この古い鈴のことか。老婆が仏様に備えろと、そう言っていた。その鈴、見覚えはあるか。いや、覚えはない。鈴の方は違うな。お前さんに何やら言いたいことがあるようじゃ。なんだと。鈴を備えてみるといい。そこにある優しい顔の仏様は、わしの彫った仏とはわけが違う。まことの仏師がおられたものだからな。いや、と、next episode हमारी जो होगी वो इसी bell और जो चीज वो हमें बताना चाह रही है उसके बारे में होगी, but फिलहाल हमारा जो new tool है Shinobi Firecracker से use करें, मतलब इसे use क्या करें, इसे create करें。牙の形を増やしたきゃ、せいぜい任務を探すこったな。乗りかかった船じゃ、仕込むことだけはしてやろう。All right, तो यहाँ पे हमारी ये वाली episode end होगी, और next episode में हम लोग जो bell आए हैं, वो basically इस Buddha के सामने offering as offering जो है वो पेश करेंगे, और उसके बाद फिर हमें स्पेशल एक मेमोरी जो है वो देखने को मिलेगी, पर खेलने को मिलेगी ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे हिराता स्टेट और वहाँ के जो एडवेंचर्स हैं थोड़ा उनको एक्सप्लोर करके आएंगे, इससे पहले कि हम लोग यहाँ आशीना आउटस्कर्ट्स के अंदर अपना जो सफ़र है उसे कंटिन्यू करें। तो बहरहाल यहाँ पर एंड होती है हमारी एपिसोड। मुझे बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी, और मैं मिलूँगा आप नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।